हेलो फ्रेंड्स, जय साई राम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रबड़ी कुल्फ़ी रेसिपी। तो देखिए, मैंने पहले से इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखा था, जिसमें है आधा लीटर दूध, कॉर्नफ्लोर, शुगर एंड मिल्क पाउडर। सो आइए हम इसे बनाते हैं किस तरीके से बहुत टेस्टी कुल्फ़ी बनने वाली है। और ड्राई फ्रूट्स मेरे पास था तो मैंने इसे यूज़ किया हुआ है। तो देखिए, मैंने एक पैन गर्म करने रखा हुआ था मीडियम आंच पे, जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून शुगर, जिसे हम कैरामलाइज करेंगे। वो इसीलिए वो आपको आगे पता चलेगा, बट फिर भी मैं बता दूँ कि ये हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं कलर्स के लिए, जो कुल्फ़ी में कलर आएगा इसीलिए। तो देखिए, इसे अच्छे तरीके से मेल्ट करना है, प्रॉपर तरीके से, पूरा डार्क, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं बट लिक्विड जैसा ऐसे वेयर करना है। तो देखिए, अब ये हो चुका है मेल्ट। तो अब इसमें हम डालेंगे दूध। दूध हम नॉर्मल टेम्परेचर में यूज़ किया, नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध यूज़ करेंगे, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए, इसे में हम किस तरीके से इसे मिक्स कर लिया। अब इसे हल्के हाथों से चलाना है, बट इसे अच्छे तरीके से पकने देना है। पकने के बाद इसमें हमने यूज़ किया था पहले भी कैरामलाइज के लिए शुगर यूज़ किया था, तो अभी हमने देख के यूज़ करना है कि हम कितना मीठा खाते हैं। तो देखिए, हम इसे अब अच्छे तरीके से पका रहे हैं। पका रहे हैं मतलब इसे हम गाढ़ा कर रहे हैं, जैसे रबड़ी पकाते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट्स था मैंने कट कट के रखा था, तो इसे भी मैंने अभी इसमें डाल दिया है। तो देखिए, इसका जो लुक है वो किस तरीके का दिख रहा है, कलर भी आप देख सकते हो कि किस तरीके का कलर आया है। अब इसमें मैंने 1/4 कप दूध लिया हुआ है, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर वाला, जिसमें मिल्क पाउडर मैं 2 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ एंड 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ, जिसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, प्रॉपर तरीके से, जिसमें दाने नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। एंड इसे हम यूज़ करेंगे कुल्फ़ी में। तो इसमें हम अभी डाल रहे हैं, और इसके साइड में जो मलाई जमी हुई है इसे भी हमने उसमें मिक्स करते हुए जाना है। तो देखिए, अब किस तरीके से इसे मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद इसे अच्छे तरीके से पकाना है, जैसे हम रबड़ी पकाते हैं, पर रबड़ी बहुत ज़्यादा पकाते हैं, इसे थोड़ा हल्का कम पकाना है। तो देखिए, किस तरीके से भी उबल रहा है। अब ये जैसे उबल गया है, मतलब अच्छे तरीके से पक चुका है, तो देखिए कितना ये ठीक हो चुका है। तो अब इसे हम थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, अब ये ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद इसे हम अभी कुल्फी सांचे में डालेंगे। अगर आपके पास कुल्फी सांचा नहीं हो तो आप कटोरी में या फिर छोटे कोई बर्तन में यूज़ कर सकते हैं, कटोरी में या कप में या फिर मटके में यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम पैक कर लेते हैं। पैक करने के बाद हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में ऐसे ठंडा होने के लिए 6 to 8 hours भी रख सकते हैं, या मैंने इसे यूज़ किया रखा था ओवरनाइट। तो देखिए, अब इसे हम फ्रीज़र में डाल दे रहे हैं। देन इसे हमने मॉर्निंग में निकाला था, दीदी ने निकाला था इसे फ्रीजर से मॉर्निंग में। और इसे निकालने के बाद एक बर्तन में नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी रखे थे, देन इसे हमने उसमें डुबो के रखा हुआ था। अब देखिए, इसमें से कुल्फी निकल रही, तो ये बहुत अच्छी भी बनी हुई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।